हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो आज की मेरी रेसिपी है बाटी। तो बाटी मैं बाटी के मेकर में नहीं बनाऊँगी, बल्कि मैं बनाऊँगी इसमें अप्पे के पैन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है गेहूँ का आटा, जिसमें मैं ऐड करूँगी अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं नमक डालूंगी इसमें, थोड़ा सा मैं यहाँ मीठा सोडा डालूंगी, और मोयन के लिए हम यहाँ पे घी डालेंगे 1 से 2 चम्मच। अब हमें इन सबको अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मैंने अच्छे से मैंने हैंड वॉश कर लिया था अच्छे से। ये देखिए, अब हम चेक करेंगे कि मैंने मोयन अच्छा डाला है कि नहीं। ये देखिए, अगर ये इस तरह से टाइट हो जाए तो समझिए कि हमने मोयन अच्छा डाला है। ये देखिए। सो गाइस, अब हम इसे पानी की मदद से अच्छा टाइट डो तैयार कर लेंगे बाटी के लिए। ये देखिए, मैंने बाटी का डो तैयार कर लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा घी लगा के इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। सो गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए आटा, अब हम इनकी लोइयां बना लेते हैं बाटी बनाने के लिए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने लोइयां काट ली हैं। अब मैं इनकी बाटी बना लेती हूँ। सो गाइस, कुछ इस तरीके से मैंने बाटियां बना ली हैं। अब हम इसको अप्पे के पैन में डालते हैं। ये देखिए, मैंने अप्पे का पैन यहाँ पे चढ़ा के रखा हुआ है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर देंगे अंदर। ये देखिए, हमने सभी में घी डाल दिया है। अब हम एक एक करके इनमें बाटियां डाल देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें रखना है। ये 12 अप्पे बनाने का है, बट मेरी 10 ही बाटी बनी है, तो मैंने इसको रख दिया है। अब हम इसको इसके कवर से कवर कर देंगे। बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा घी हम ऊपर से भी लगा देंगे। ये देखिए, हमने पलट दिया है एक एक बार। ये देखिए गाइस, बाटियों का कितना अच्छा कलर आ रहा है। इनको आप बीच बीच में पलटते रहिएगा कुछ इस तरीके से। सो गाइस, अब हम चेक करते हैं, हमारी बाटियां बन चुकी हैं, सिक गई हैं और अच्छे से। अब आप इनको अगेन घी में फिर से फ्राई कर सकते हैं, अदरवाइज घी में डिप करके निकाल के भी रख सकते हैं। गाइस, बाटी बन चुकी हैं और मैंने इनको बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इनको घी में डिप करके रखती जाऊंगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें करना है। इनको अच्छे से घी में डिप कर लेना है और निकाल के अलग रख देना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, इनको निकाल के अलग रख दीजिए। ऐसे ही सारी बाटी हम कर। ये देखिए गाइस, मैंने सारी बाटियां कर ली हैं पूरी अच्छे से, और घी हमारा अभी भी बच गया है। इसको हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए, हमारी सारी बाटी अब हो चुकी हैं। अब हम इनको ट्रे में निकाल लेते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ सर्विंग ट्रे में निकाल ली हैं बाटियाँ। तो यहाँ पे आप बाटियों को किसी के भी साथ में ले सकते हैं, बैंगन का भरता या तो दाल। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें ली हुई हैं। ये देखिए, तो गाइस, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और पास में ही बेल आइकन का बटन है, तो उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू, टेक केयर।